हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि टिश्यू कितने तरीके के होते हैं और इसके अंदर कितने सब टाइप होते हैं, क्योंकि टिश्यू बहुत ही बड़ा चैप्टर है और एक वीडियो में इसको क्लियर करना, कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो आगे जो भी वीडियो आएंगी टिश्यू से रिलेटेड, उसको हम वन बाई वन पार्ट टू पार्ट सेकेंड करके देख लेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब हमारा बेसिक कम्प्लीट रहेगा तो आगे जो भी चीजें हम ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि टिश्यू होते क्या है, तो टिश्यू हमारे शरीर का ही अंग होता है। बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो हमारे टिश्यू का निर्माण करती हैं मिलकर के। तो जो सेल्स होती हैं वो कई तरीके की होती हैं, इसी तरह से जो टिश्यू होते हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। जो टिश्यू का क्लासिफिकेशन होता है या फिर उनका हम जो डिविजन करते हैं, विभाजन करते हैं, या फिर जो उसके हम टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि जो टिश्यू है उसका क्या उसका शेप है, क्या उसका साइज है, या फिर क्या उसका फंक्शन है। मतलब कि साइज, शेप और फंक्शन के आधार पे ही हम टिश्यू को क्लासिफाइड करते हैं, उसको टाइप्स में बांटते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो टिश्यू होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, मेन फोर टाइप के टिश्यू होते हैं। मेन अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये फोर टाइप्स के होते हैं। अब इसी के अंदर ये जो चार टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं चारों के अंदर बहुत सारा इसका क्लासिफिकेशन होता है, बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो इसको बोलते हैं एपिथेलियम। अब एपिथेलियम टिश्यू कहें या फिर इसको हम एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हैं। कहीं पे यहाँ पे एपिथेलियम लिखा होता है और कहीं पे लास्ट में ही एपिथेलियल लिखा होता है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर एपिथेलियम लिखा है या फिर एपिथेलियल लिखा है तो एक ही बात होती है। तो ये सबसे पहला टाइप होता है किसका, टिश्यू का। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये सबसे बड़ा चैप्टर है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में सबसे अधिक पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया वन बाई वन करके। नेक्स्ट इसमें थर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मसल टिश्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मसल टिश्यू। इसके भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं जिसको हम अभी इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। फोर्थ है जिसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो ये चार मेन टिश्यू होते हैं और इन्हीं के अंदर आप ढेर सारे सब टाइप्स हमको देखने को मिलेंगे किसके, टिश्यू के। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसके बारे में। तो इसके मेन दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले इसके दो सब टाइप्स होते हैं, कौन कौन से। तो फर्स्ट इसमें होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और दूसरा जिसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अब यहाँ पे जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट जिसको बोलते हैं स्क्वामस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, एंड थर्ड होता है जिसको बोलते हैं कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एपिथेलियम टिश्यू है इसके दो पार्ट थे, एक था सिंपल और एक था स्ट्रेटिफाइड। अब यहाँ पे जो सिंपल है इसके भी तीन भाग है, स्क्वामस है, क्यूबॉइडल है और कॉलमनर है। अब यहाँ पे चलते हैं हम स्ट्रेटिफाइड के पास। तो जो स्ट्रेटिफाइड होता है इसके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से, तो फर्स्ट इसमें होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, और जो दूसरा होता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पे क्लियर हो गया
कि जो एपिथिलियम था इसके दो भाग थे और जो सिंपल था इसके भी तीन भाग थे, स्ट्रेटिफाइड के भी दो भाग हैं। अब इसमें भी जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथिलियम टिश्यू है इसके भी दो भाग हैं, इसके भी दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है जिसको बोलते हैं केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथिलियम टिश्यू, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथिलियम टिश्यू। तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं कि एपिथेलियम के मेन दो भाग होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल के तीन भाग होते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। स्ट्रेटिफाइड के दो भाग होते हैं, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वामस और ट्रांजिशनल। अब यहाँ पे ट्रांजिशनल छूट गया और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस बचा, इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है क्रेटिनाइज और एक होता है नॉन क्रेटिनाइज। और आपका जो एपिथेलियम टिश्यू होता है इसके जो टाइप्स है या फिर इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। ये पूरा किसका है? ये पूरा एपिथेलियम टिश्यू का है। नेक्स्ट हम देखेंगे किसके बारे में? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के बात करें तो उसमें टोटल सात टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, तो फर्स्ट इसमें कौन सा होता है? तो फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, लूज का कोई भी टाइप्स नहीं होता है। तो इसके दो भाग होते हैं, जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके भी दो भाग होते हैं, लूज का कोई भाग नहीं होता है और एडिपोज के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं ब्राउन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके दो भाग हैं, व्हाइट और ब्राउन। थर्ड इसमें है जिसको बोलते हैं रेटिकुलम कनेक्टिव टिश्यू, जिसका कोई भी सब टाइप्स नहीं होता है। तीन टिश्यू हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। कनेक्टिव टिश्यू के मैंने बताया कि टोटल सात टाइप होते हैं, जिसमें पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसका कोई सब टाइप्स नहीं है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जिसके दो सब टाइप्स है, व्हाइट और ब्राउन। तीसरा है रेटिकुलम कनेक्टिव टिश्यू जिसका कोई भी सब टाइप्स नहीं है, और यहाँ पे चौथा है जिसको बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसके दो सब टाइप्स हैं, कौन कौन से? फर्स्ट है फाइब्रस और दूसरा है इलास्टिक। कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू का चौथा सब टाइप था जिसको हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोला, इसके भी दो सब टाइप्स हैं। पहला क्या है? फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं या फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं, और दूसरा है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के एक दो तीन चार टाइप्स सब टाइप्स हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो पांचवा टाइप्स होता है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का, इसको बोलते हैं ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका भी कोई सब टाइप्स नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का कोई सब टाइप्स नहीं था, दूसरा जो एडिपोज था इसके दो सब टाइप्स थे, तीसरा रेटिकुलम कनेक्टिव टिश्यू इसका भी कोई सब टाइप्स नहीं है, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसके भी दो सब टाइप्स हैं, फाइब्रस और इलास्टिक। उसके बाद जो पांचवा है जिसको ब्लड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसका भी कोई सब टाइप्स नहीं है। पांचवा के बाद नंबर आता है छठवें का, क्योंकि हमने बात की थी कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके टोटल सात टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ पांच ही कंप्लीट किए हैं। तो छठवां होता है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज
कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके तीन सब टाइप्स होते हैं, तीन इसके सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट इसमें है जिसको हम बोलते हैं हायलिन, हायलिन कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं इलास्टिक फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे इसी के साथ जो छठवां सब टाइप था कनेक्टिव टिश्यू का वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने देखा कि तीन इसके सब टाइप थे, जो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू था, हायलिन था, फाइब्रो और इलास्टिक फाइब्रो। उसके बाद नंबर आता है सातवें और लास्ट सब टाइप का कनेक्टिव टिश्यू के, जिसको बोलते हैं बोन कनेक्टिव टिश्यू। और इसके भी दो सब टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? तो फर्स्ट इसमें है जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं स्पंजी बोन कनेक्टिव टिश्यू। और इसी के साथ जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, जो टिश्यू का सेकेंड मेन पार्ट होता है, उसके सभी सब टाइप्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हमने टोटल सात टाइप्स की बात की थी और हमने एक एक करके देख लिया। फर्स्ट है इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसका कोई सब टाइप्स नहीं है, दूसरा है एडिपोज टिश्यू जिसके दो सब टाइप्स है व्हाइट एंड ब्राउन, तीसरा है रेटिकुलम जिसका कोई सब टाइप्स नहीं है, चौथा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसके दो सब टाइप्स है फाइब्रस और इलास्टिक, पांचवा है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जिसका भी कोई सब टाइप्स नहीं है, और यहाँ पे छठवां है जिसको हमने बोला कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू जिसके तीन सब टाइप्स है हायलिन फाइब्रो और इलास्टिक फाइब्रो, और सातवां है जिसको बोलते हैं बोन कनेक्टिव टिश्यू जिसके भी दो सब टाइप्स है, एक है कॉम्पैक्ट और दूसरा है स्पंजी बोन कनेक्टिव टिश्यू। और इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब जो टिश्यू में तीसरा पार्ट है जिसको हमने बोला था मसल्स टिश्यू, उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो तीसरा टिश्यू का पार्ट था जिसको हम बोलते हैं मसल टिश्यू, उसके सब टाइप्स के बारे में। तो इसके मेन तीन सब टाइप्स हैं, इसके मेन तीन सब टाइप्स हैं, कौन कौन से? तो फर्स्ट है इसमें जिसको बोलते हैं स्केलेटन मसल टिश्यू, दूसरा है जिसको बोलते हैं स्मूथ मसल टिश्यू, तीसरा है जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल टिश्यू, और इसके किसी भी तरह के कोई सब टाइप्स नहीं होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा था कि बहुत सारे उसके सब टाइप्स थे, लेकिन जो मसल्स टिश्यू होता है इसके सिर्फ तीन सब टाइप्स होते हैं और फिर इनके कोई भी अदर सब टाइप्स नहीं होते हैं, स्केलेटल टिश्यू, स्मूथ टिश्यू और कार्डियक मसल टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो चौथा हमारा टिश्यू था, टिश्यू में जो मेन टाइप्स था उसके बारे में, जिसको हमने बोला था नर्वस टिश्यू, जिसको हमने बोला था नर्वस टिश्यू, क्योंकि हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही कि जो टिश्यू होते हैं उनमें मेन चार टिश्यू होते हैं और फिर उनके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? इपिथीलियम की। सबसे पहले हमने बात की थी जो इपिथीलियम टिश्यू होता है उसकी, दूसरा हमने बात की थी कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की, तीसरा हमने बात की थी मसल टिश्यू की, और चौथा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो नर्वस टिश्यू होते हैं उनके बारे में। तो जो नर्वस टिश्यू होता है इसके सिर्फ दो सब टाइप्स होते हैं, सिर्फ दो सब टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? तो फर्स्ट इसमें होता है जिसको हम बोलते हैं एक्साइटेबल नर्वस टिश्यू, एक्साइटेबल नर्वस टिश्यू, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं नॉन एक्साइटेबल नर्वस टिश्यू, एक्साइटेबल नर्वस टिश्यू।
तो क्लियर हो गया कि जो इपिथेलियम टिश्यू थे उसके कितने भाग थे, वहीं पे जो कनेक्टिव टिश्यू था उसके कितने भाग थे, मसल्स टिश्यू था उसके कितने भाग थे, और यहाँ पे जो चौथा सबसे लास्ट टिश्यू है जिसको हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं उसके कितने भाग हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने इसके पार्ट्स के बारे में बात की कि जो टिश्यू होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। मेन चार तरह के होते हैं, इपिथेलियम, कनेक्टिव, मसल्स और नर्वस। इसके बाद इसके अंदर ढेर सारे सब टाइप्स होते हैं। अब आने वाली वीडियो में हम वन वन करके एक एक करके जितने भी टिश्यू होते हैं सबके फंक्शन और कौन सा टिश्यू कहाँ पे किस ऑर्गन में किस काम के लिए इन्वॉल्व होता है इन सब के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।